नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तुषार शाह है। मैं आज आपको पल्स ऑक्सीमीटर का कैसे प्रयोग करना बता रहा हूँ। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इसके पीछे दो सेल लगते हैं, ये ट्रिपल ए सेल्स लगते हैं जो अक्सर पल्स ऑक्सीमीटर के साथ ही डब्बे में आते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर अपने उंगली पर लगाना है, मध्य की उंगली इस्तेमाल करें, दाया हाथ हो बाया हाथ हो फर्क नहीं पड़ता, मध्य की उंगली में डालें, इस तरह से बटन दबाएं। कुछ पल्स ऑक्सीमीटर में बटन दबाने की ज़रूरत होती है, कुछ में ज़रूरत नहीं होती। बटन दबाएं और आपको पता चलेगा कि दो वैल्यूज़ अब आने लगी हैं। ये SpO2 है, यानी कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये 98% दिखा रहा है जो नॉर्मल है। 94 to 100 ये नॉर्मल रेंज है, 93 या उससे नीचे जाए इसका मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन कम हो गया है फेफड़ों की कोई तकलीफ की वजह से। अगर कोविड के बुखार में 93 या उससे नीचे जाता है तो आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रीडिंग है अस्पताल में भेजने के या नहीं भेजने के लिए। दूसरा जो पल्स आ रहा है वो 92 यहाँ दिखा रहा है, इसकी नॉर्मल रेंज 60 से 100 तक कही जाती है। अगर ये बहुत तेज़ हो, जो बुखार में हो सकता है, तो भी कभी कभी चिंता की बात हो सकती है। कभी कभी लोग डर के मारे भी अपनी पल्स की गति को बढ़ा देते हैं। यहाँ एक और वैल्यू आ रही है PI, आप अगर देख रहे हैं परफ्यूजन इंडेक्स 14.1 दिखा रहा है, इसकी कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर तकरीबन 750 से 2000 की रेंज में आता है, कभी कभी महंगा भी मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से 1000-1500 के बीच की रेंज का पल्स ऑक्सीमीटर अच्छा होता है। कई सारी ब्रांड्स हैं और मेरी कोई ऐसी फेवरेट ब्रांड नहीं है, आप जो चाहें ले सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर हर एक घर में आज होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर ना हो तो बुखार के आते ही पहले ही दिन घर में पल्स ऑक्सीमीटर रखना है। कोविड के बुखार के दरमियान हर रोज़ 4-5 बार पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करना है। अगर ऑक्सीजन 94 से कम यानी 93 या उससे कम आए, 93 और लेस, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर को इत्तला करनी है और अस्पताल में जाना कि नहीं जाना वो तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।